एक्ट्रेस केसरी ने की होली सेलिब्रेट। एक्ट्रेस केसरी ने इंडिया लाइव न्यूज के साथ किया होली सेलिब्रेट, दर्शकों से कहा कि पानी ज्यादा न फेंके इस बार होली में। हमसे मुलाकात करते हुए केसरी ने हमें उनकी अपकमिंग हिंदी मूवी निर्दया की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि निर्दया एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी है और वो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। और केसरी ने इंडिया लाइव न्यूज के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। दिस इज केसरी एंड आज मैं यहाँ होली सेलिब्रेट कर रही हूँ और बहुत मज़ा किया मैंने। फर्स्ट टाइम मैंने इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया है। सेलिब्रेशन मैं वैसे तो पहले बहुत करती थी, पर पिछले कुछ सालों से मैंने होली सेलिब्रेट ही नहीं की थी, बट दिस टाइम इट इज़ ऑसम। ऑसम इज़ अ वर्ड। अभी आई एम डूइंग ओनली वन मूवी विच इज़ अ हिंदी प्रोजेक्ट। द नेम ऑफ द मूवी इज़ निर्दया, which is based on it is a female oriented script और जो आई होप कि जो देखने के बाद लड़कियाँ इंस्पायर हो, ऐसी टाइप की स्टोरी है। मैंने अभी तक सीरियल्स किए थे मोस्टली एंड आई एम अ थिएटर एक्टर। आई यूज टू परफॉर्म ऑन स्टेज एंड सीरियल्स की है जो मराठी किए थे पहले, और एक दो मूवीज़ की थी मराठी ही थी जो ये। दिस इज़ माय डेब्यू इन हिंदी नाउ। होली एक ऐसा फेस्टिवल है जो इट इज़ ऑल फुल ऑफ कलर्स, लाइक वी हैव कलर्स इन आर लाइफ ऑल्सो। समटाइम्स इट इज़ हार्ड टाइम्स, समटाइम्स वी हैव गुड टाइम्स। सो आई वुड लाइक कि निराश मत होइए अगर कुछ होता है तो। अगर दिस इज़ केसरी एंड आई रियली विश यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम इंडिया लाइव अ हैप्पी होली एंड एन्जॉय दिस फेस्टिवल। फर्स्टली आई वांट टू विश ऑल द व्यूअर्स वेरी हैप्पी होली, स्टे ब्लेस्ड, स्प्रेड लव, स्टे यूनाइट एंड बी ब्लेस्ड। मैम पहले चीज़ तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ड्राई होली खेले, वाटर ज़्यादा यूज़ नहीं करें। वाटर वी नीड टू सेव वाटर, वी नीड टू सेव वाटर। ड्राई होली खेले, गुलाल से कलर खेल सकते हैं। ड्राई होली से भी मतलब बहुत मज़ा आता है, यू कैन स्टिल एंजॉय द सेम। एंड प्ले सेफ, स्प्रेड लव, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। गोगो आइलैंड से मुमताज़ ज़वेरी, जिलानी शेख के साथ इंडिया लाइव न्यूज़ मुंबई। लखनऊ के इंदिरा भवन में लगी आग। ये खबर लखनऊ के इंदिरा भवन में आग लगने की है, जहां कई सरकारी दफ्तर भी मौजूद है। यूपी सरकार के सभी अहम दफ्तर भी यहीं हैं। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। दफ्तर के अंदर का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। नहर में गिरी कार, चालक की मौके पर मौत। ये मंजर है दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर मौजूद गाजियापुर का, जहाँ एक मारुति कार नहर में जा गिरी। गाजियाबाद से आती तेज रफ्तार ये कार दिल्ली की सीमा में घुसते ही अपना संतुलन खो बैठी और नहर में जा गिरी। खबर मिलते ही दिल्ली और गाजियाबाद की पुलिस मौके पर पहुंची, पर सीमा विवाद में उलझी रही दिल्ली और यूपी की पुलिस, जिसकी वजह से बचाव कार्य में देरी करने से गई चालक की जान। सीमा विवाद में काफी वक्त गुजरने के बाद दिल्ली दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काम शुरू किया। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोग भी नहर में कूद गए। काफी कोशिश के बाद कार को पानी से निकाला गया, पर तब तक चालक की मौत हो चुकी थी। चालक की लाश को अस्पताल भेज दिया गया है जांच के लिए। ये हादसा गाजियापुर थाने से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। पुलिस अगर सीमा विवाद में न उलझ के जल्द कार्रवाई करती तो शायद कार चालक की मौत नहीं होती। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों की बगावत। सीएम रावत बोले, दबाव में नहीं आऊंगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के 12 विधायकों के बागी होने पर रावत सरकार खतरे में। इस बीच सीएम हरीश रावत ने कहा है कि वो किसी के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। एक बात है, ये काम हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये काम पहले से डिसाइड होते हैं और एक प्रक्रिया के तहत जो है सारी वोटिंग हो रही है, तो उसी प्रक्रिया के तहत वोटिंग हुई है। इसलिए जो है भाजपा सारी चीज गढ़ने में माहिर है और मैं उनकी इस महारत को चुनौती नहीं दे रहा हूं। देखिए, अभी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुछ ने उनमें से मेरे साथ संपर्क किया है, मेरे लोगों से संपर्क किया है, पार्टी के लोगों से संपर्क किया है, और वो अब भी अपनी गलती को स्वीकार करें। भाजपा के मुगालते में आकर के कोई जो है आत्मघाती और उत्तराखंड विरोधी कदम न उठाएं। यदि उनके इशारे पर नहीं होता तो आरएसएस के 3 मूर्धन्य नेता यहां आते, विजय वर्गीय जी का यहां से क्या लेना देना।
और लोगों का क्या देना देना, श्याम जादू तो समझ में आते हैं, तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रात रात भर जिस तरीके से मनी बैग लेकर के घूमते रहे हैं, इनकम टैक्स की गाड़ियों को लेकर के उनमें घूमते रहे हैं भाजपा के नेता जो है, जिस तरीके से सेंट्रल मशीनरी का भाजपा नेताओं ने खुल करके दुरुपयोग करने की कोशिश की है, वो साफ जाहिर करता है कि एन केन प्रकारेण हर शक्ति के साथ 2017 के चुनाव में सबसे बड़े बाधक के रूप में दिखाई दे रही कांग्रेस सरकार को उत्तराखंड से डिसलॉज करने की साजिश है, और मगर ये साजिश नाकाम हो गई है और नाकाम होगी। और मैं बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं कि मैं विधानमंडल के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध करूंगा, वो अवसर मुझको दिया जाना चाहिए, वो अवसर मुझे दिया जाएगा, और मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं। द मोमेंट आई विल लूज माई मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं जो है अपना रेजिग्नेशन सीधे आकर के विधानसभा को धन्यवाद दूंगा, अपना रेजिग्नेशन सीधे महामहिम राज्यपाल को सबमिट करूंगा। लखनऊ में मगरमच्छ को बचाया गया। यूपी के गोमती नदी के पास एक मगरमच्छ को बचाया गया। ये मगरमच्छ गोमती नदी के पास एक नाले में घूमता हुआ नजर आया था, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना की खबर मिलते ही वन विभाग ने मगरमच्छ को वहां से ले गए। बदमाशों ने मारी लड़की को गोली। साउथ दिल्ली के मोतीबाग इलाके में चोरों के एक गैंग ने 19 साल की एक लड़की को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लड़की देर रात अपने घर में पढ़ाई कर रही थी, जब उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी, और जब लड़की आवाज सुनकर नीचे उतरी तो देखा कि सामने की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में 7-8 बदमाश चोरी कर भाग रहे हैं। जब लड़की ने शोर मचाया तो बदमाशों ने उस पर गोली चला दी और वहां से भाग गए। खबरों के मुताबिक लड़की को पेट पर गोली लगी है। लड़की का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अनिला शेख, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।